आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व के सबसे प्रभावशाली समूह G20 के बैठक के लिए राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भव्य तैयारियां की गई है। G20 समूह की बैठक 2 दिनों की होने वाली है। वहीं कल देर रात ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा समेत ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आगमन को लेकर एक वीडियो सुर्खियों में है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। वहीं इस दौरान वे जैसे ही विमान से उतरे वैसे ही उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर गई जो उनके स्वागत के लिए ही पहुंची थी। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने बच्ची को गले से लगाकर दुलार किया। बच्ची के साथ उनकी तस्वीरों ने सभी का ध्यान खींचा है। इसके बाद से लगातार वह बच्ची सुर्खियों में है और हर कोई जानना चाह रहा कि आखिर वह बच्ची है कौन। दरअसल जो बाइडेन के स्वागत में शामिल बच्ची भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी की बेटी माया है। माया एरिक गारसेटी के साथ अक्सर देखी जाती है। इससे पहले जब गारसेटी ने भारत में अमेरिका राजदूत पद की शपथ ली थी तब भी उनके साथ उनकी बेटी माया की एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस फोटो में बच्ची माया ने हिब्रू बाइबल को अपने हाथ में ले रखा था। इसी बाइबल पर एरिक गारसेटी ने शपथ ग्रहण की थी। बता दें कि माया जुआनिता गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी और उनकी पत्नी एमी वैकलैंड की इकलौती बेटी है। वह अक्सर अपने पिता के साथ देखी जाती है। राजनीतिक रैलियों में, अन्य समारोहों में भी वह नजर आती है। वह अपने सौम्य स्वभाव को लेकर हर किसी से घुल मिल जाती है। वहीं अब एक बार फिर माया जो बाइडेन के स्वागत को लेकर सुर्खियों में आ गई है। जो बाइडेन की तस्वीरें माया के साथ वायरल होने पर लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर चर्चा शामिल है। वहीं भारत ने इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी है। सभी की निगाहें नेताओं के संयुक्त घोषणा पर है। यह भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान दिल्ली में स्थानीय पुलिस के 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, चेहरा पहचानने वाले कैमरे, दिल्ली के आसपास के 4 एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। वहीं कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पहली बार राजधानी में सुरक्षा का इतना बड़ा इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा के बीच कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।